हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीब्रा फॉक्स व्लॉग्स चैनल में। आज लिट्रा वैली स्कूल के सारे टीचर्स बोध गया ट्रिप में जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ साथ में। काफ़ी मेरे मित्र हैं इसमें और उन्हीं मित्रों के साथ आज का हम लोग जो ट्रिप है बोध गया का, उसको एंजॉय करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। बहुत उत्साहित हैं और कोशिश करें जल्दी जल्दी पहुँचे और भगवान बुद्ध का दर्शन करें। हम लोग जो है इंजॉय करेंगे, वहाँ बहुत सारे चीज देखेंगे, साइट्स, और भगवान बुद्ध का दर्शन करेंगे और उसके बाद में बोधि रिट्रीट में लंच करेंगे। चलते रे इश्क में मर जाते हैं हम, जो चलने लगे है ये रास्ते। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। थैंक यू। आइए आइए, 28 नंबर बोध गया, 28 नंबर बोध गया, बाकी सब गया बोध, बोध गया। इंजॉय अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रिप है और हम लोग जो है कि लिट्रा वैली स्कूल से निकलकर बोध गया की तरफ जाते हुए और पूरे यात्रा का आनंद लेते हुए। लंबा सफर, ऐसा लंबा सफर कि चाय की चुस्कियों के लिए हमारे बाकी सब साथ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चाय की चुस्कियाँ मिल नहीं रही है। बस इसी इंतज़ार में, क्योंकि दो घंटे या ढाई घंटे का सफ़र पूरा हो चुका है, बस चाय का कुछ जगह मिल जाए, कोई होटल, ढाबा, टपड़ी, कुछ भी मिल जाए भाई, फिर मज़ा आएगा। चले मिलते हैं। शानदार सफर गुजर रहा है हम लोगों का और बस थोड़ी दूर गया है। गया में हम लोग संबोधि रिसोर्ट की तरफ जा रहे हैं और सारे टीचर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दीपक सर का धन्यवाद। सनी सर क्या कहना चाह रहे हैं? काफी शानदार ट्रिप, काफी एंजॉय कर रहे हैं। दीजिए इब्राहिम सर को। बहुत अच्छे, बेहतरीन ट्रिप है, बहुत ही कोई एडिटिंग नहीं होगा, बेहतरीन। ठीक है, तो बोले जा अच्छा तो है, बढ़िया है, थोड़ा का वीडियो लगा देंगे।
हाँ मैम, आपके ट्रिप के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बहुत अच्छा ट्रिप, बहुत अच्छा ना मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। हमारी पुष्पा मैम हमारा इंतजार कर रही है। पुष्पा मैम, आज के ट्रिप के बारे में क्या कहना चाहिएगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये। चलिए हम लोग मिलते हैं बोधगया में, फिर हम लोग आगे स्वागत करते हैं अमिताभ सर का। देखते हैं अमिताभ सर क्या कहना चाहते हैं आज की ट्रिप के बारे में। अमिताभ, धन्यवाद दीपक सर। आज मौसम बहुत अच्छा है और हम लोग इस भ्रमण के लिए निकले हुए हैं स्कूल से। काफ़ी तकरीबन 2-2.5 घंटा हो चुके हैं हम लोगों को निकले हुए और काफ़ी आनंद आ रहा है। यहाँ हम लोग रुके हैं ज़रा चाय नाश्ता स्नैक्स के लिए। कहना चाहते हैं आप? आज बादल की ओर से जो सूर्य की चमक बिखेरी गई है वो एक बहुत ही रमणीय की यात्रा को अपने आप में उजागर करती है। वाह, क्या खूब कही सर आपने। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का सफर बोध गया के लिए। सबसे पहले चाय की चुस्कियों का मजा ले लें। सर, लास्ट टाइम वी हैड ट्रिप ऑफ राजगीर एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू बोध गया। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट दिस? लुक्स एक्साइटिंग and good to see all the staff having a lot of fun, so much of camaraderie, and I'm sure it will give us a lot of energy to move forward. Thank you. We are on a nice trip to Bodh Gaya. Whole team members are enjoying a lot and it's very sunny weather, and actually it's nice to assemble here on a dhaba for a brief meeting and a cup of tea. चाय बहुत अच्छी है और चाय का मिठास और बढ़ गया जब इतने लोग साथ में चाय पी रहे हैं। ये कभी कभी मौका मिलता है इतने लोग सब साथ में चाय पीते हैं। चाय बहुत अच्छी है, वी आर लविंग द ट्रिप, वी आर एंजॉयिंग इट, थैंक यू सो मच। जस्ट चिल एंड हैव फन। थैंक यू सो मच मैम। एनीथिंग एल्स? एंजॉय। थैंक यू एंड यस, वी ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस ट्रिप। आखिरकार हमें चाय मिली गई बहुत लंबे इंतजार के बाद। चाय की चुस्कियों के लिए हम लोग यहाँ तैयार हैं और ये देखिए साइकिल भी शुरू हो गया। बढ़िया इलायची चाय। मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर नॉट वेल एक्चुअली, दे आर अनवेल, बट स्टिल दे हैव टेकन मेडिसिन एंड दे ऑल आर हियर विद अस एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। इस ट्रिप में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, सभी के साथ जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस ट्रिप में बहुत मजा आने वाला है हम सभी को, लेट्स एंजॉय। मैं इस ट्रिप के लिए अपने दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर आई हूँ, सबसे बातें गालियाँ सुनकर आई हूँ, सो आई वांट टू एंजॉय। मैं इस ट्रिप में आके बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, सुबह सुबह खाने को मिल रहा है, सुबह से मैं खा रही हूँ, खा खा कर मोटी होती जा रही हूँ। हुर्रे, मोस्ट अवेटेड ट्रिप एंड आई एम एंजॉयिंग लॉट, सो लेट्स जस्ट एंजॉय। नो करेक्शन, नो चीट टीचिंग, नथिंग एल्स, ओनली फुल ऑफ मस्ती। थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। सुबह से हम सभी निकले हैं और बहुत खाया भी है, बहुत गाया भी है और चाय मिली है जी। और मतलब बोलते हैं ना कि जिसकी हस्ती मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो वही वाला कुछ हमारा रहा है। सुबह से बहुत मस्ती की और थैंक यू कहना चाहूंगी एलवीएस को कि हमारे लिए इतना बढ़िया सा ट्रिप प्लान किया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टीचर्स ऑल्सो इतना अच्छा खिलाने के लिए। मेरे सारे दोस्तों ने सब कुछ बोल दिया, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं क्योंकि मैं बहुत पीछे बैठी थी, इसलिए मुझे भी बहुत 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 मजा आया। मेरा गला बोलने लायक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी थैंक यू एलवीएस। मैं बीमार होने के बाद भी आई हूँ, और मेरे बदला प्रिया मैम बोल देंगी। थैंक यू एलवीएस फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप, दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप हियर एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट, थैंक यू सो मच। इसका ढक्कन देना भैंस, सर प्लीज हैव दिस। थैंक यू मैम। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है आज, पहला ट्रिप।
enjoying a lot. Second trip, enjoying a lot. पिछले साल की भांति इस बार भी हम लोग खूब enjoy कर रहे हैं मस्ती. आज के ट्रिप के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे और खूब मस्ती करें. Having a blast. बहुत मजा आ रहा है. आप सभी का स्वागत है, स्वागत है बोध गया ट्रिप के लिए. आप सभी का स्वागत है. जाता तो बड़ा अच्छा होता. तो बहुत अच्छा फिनिशिंग नहीं है तो हम भगवान बुद्ध की शानदार प्रतिमा, इनका विकराल रूप बहुत ही विशाल, शांति की मूर्ति भगवान बुद्ध. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बोध गया आए हुए हैं और यहाँ पर 80 फीट पर इनकी विशाल मूर्ति हमारे सामने
यहाँ हमारे सफर का समापन हो रहा है, हम लोग वापस लौटते हुए। बहुत अच्छा लगा, इतना पीसफुल जगह है कि आदमी को 6 महीने में एक बार तो आना चाहिए। ये हमारे स्टेट का हेरिटेज है, इसलिए हम लोग को प्रमोट करना चाहिए अपने स्टेट का हेरिटेज। डॉटर का घर पर मन की शांति, मन की शांति के लिए भी आना चाहिए। जब ये लोग मन से अशांत हो, यहाँ पर आ जाओ, कुछ देर बैठो, मेडिटेशन करो, एकदम मन की शांति मिल जाएगी। रिचार्ज कर लो खुद को, फिर जाओ अपने काम पे। ये बगल में हमारा जापान द्वारा निर्मित मंदिर है, जापान द्वारा निर्मित मंदिर। ये है जापानी मंदिर, जापानी मंदिर। फाल्गु नदी। रिट्रीट, संबोधि रिट्रीट बोध गया, हम लोग आ चुके हैं। और सर हम लोग को किस सेक्शन में कहा गया है? सर गाड़ी है, गाड़ी भेजवा दे जाए। कौन सा सेक्शन है सर? संगमित्रा। संगमित्रा, संगमित्रा हम लोग को कहा गया है संगमित्रा की तरफ चलने के लिए। हम लोग संगमित्रा की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, गोल्फ कार्ट भी है। अरे वाह, ये देखिए प्रकृति के बीच में बहुत ही सुंदर खूबसूरती। ये देखिए स्विमिंग पूल भी है। आएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे स्विमिंग पूल में, थोड़ी देर बाद आएंगे, जंप करेंगे। हाँ जंप करेंगे। अभिषेक सर है हमारे पास, कुछ हमें होगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बाद में लोग आएंगे। जितनी गर्माहट थी सब समाप्त हो गई। पंडित सर सारी गर्माहट खत्म हो गई। घूमने के लिए आपको जीप लेना पड़ेगा, जीप लेना पड़ेगा। किसान बेच रहा था जबरदस्त। हाँ सर कौन सा गाना गा रहे? संगमित्रा। संगमित्रा, संगमित्रा कॉटेज है, उसका नाम है इग्लू कॉटेज। इग्लू कॉटेज, इग्लू, इग्लू कॉटेज। इग्लू कैसे बना हुआ है? उसी में ठहर गया आराम से। मैडम के साथ आइए। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस हॉल। ये रहा संगमित्रा हॉल, आनंद में नहीं संगमित्रा में। अरे इधर आइए। वी हैव बीन आस्क्ड फॉर संगमित्रा, नो आनंद, ओनली संगमित्रा। और सर कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। Oh, it's very good.
हरियाली के बीच में स्विमिंग पूल। जिंदगी का लुत्फ, शेयर कर दीजिएगा सर, जिंदगी का सुकून प्रकृति के बीच में ही होता है। खूबसूरत रिजॉर्ट है ये, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बड़ों के लिए ये 3 फीट से 4 फीट वाला स्विमिंग पूल है और बच्चों के लिए ये अप्रॉक्स 2.5 फीट का है। ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। चलिए चलिए, गाड़ी भर रहा है। हाँ ड्राइवर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये संबोधि रिट्रीट का जो है ना, हाँ, परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बालू भी चलता है सर, हम दिखाएंगे। फोटो से नहीं आएगा, फोटो में कोई आएगा। वाह कमाल कमाल सर कमाल। तेरी अभी हम फिसलते। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फल्गु नदी है। फल्गु नदी है, इसको हम लोग बुद्धि भी के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ जी जी, बताइए फल्गु नदी के बारे में कुछ बताइए। लेकिन हम लोग के तरफ इसको भूथी नदी बोलते हैं। भूथी नदी, भूथी नदी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी हो आपको? तेल्हाड़ा के पास है। अच्छा, इसको हम लोग भूथी बोलते हैं। इसमें पानी आता है, एक बार जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, उस तरह से पानी आता है और एक बार सूख जाता है, एकदम सूखा है, सिर्फ रेत ही रेत है। बताइए, दूर दूर तक सुनसान वीरान, लगता है रेगिस्तान है। ये देखिए सिर्फ रेत है, सिर्फ बालू। तो बारिश में ही सिर्फ ये नदी, हाँ बरसात में पानी आता है इसमें। हाँ, और पहले तो इसमें बहुत बाढ़ आता था। एक बार हम लोग नदी में जैसे खेलते रहते थे फुटबॉल, एक बार उधर से पानी आ रहा है जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, एक बार पूरा एक पोर्सा का पानी आता था। बताइए, एक एक पानी आता था। ये देखिए, और भाग नहीं पाते थे बीच, अगर नदी में है तो पानी से हम लोग भाग नहीं पाते थे, पानी में ही छेका। और ये जो हमारा होटल है जिस पे हम लोग आए हुए हैं, बिल्कुल नदी के बगल में, ये देखिए ये नदी और ये होटल। देखिए जो आपका मोबाइल टावर होता है उसको ताड़ के पेड़ का लुक दे दिया है, खूबसूरती की खूबसूरती भी हो गई, काम भी हो रहा है। इधर क्या है? नहीं कुछ, ये कॉटेज है, उसके सामने एक, ये अच्छा है, छोटे छोटे कॉटेज बना दीजिए, उसके सामने एक छोटा सा तालाब, लगता है इसे प्रकृति के एकदम बीच में। हाँ दीजिए मैम, 3-2-1 बोल दीजिए। हाँ 3-2-1 बोल दूंगा। रेडी 3-2-1 गो। Thank you.
बाय। अरे बाप रे, मैं तो कहीं।